बेटा प्रोफेशनल आदमी था, सब कुछ बताता रहा कि इंचन मसला कर रहा है। सजाद कुल समेत सबकी शहादत का तकाजा है, इंसाफ मिलना चाहिए। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने से पहले कोई बात ना की जाए। शहीद कैप्टन सजाद गुल के वालिद की गुफ्तगू। तयारा हादसे में शहीद पुलिस कांस्टेबल आसिफ और दानिश की नमाज जनाजा रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में अदा। वजीर हवाबाज गुलाम सरवर खान ने भी शिरकत की। पीआईए तयारा हादसा तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पायलट्स ने दिए कि रूट और अदादो शुमार से हटकर जहाज चलाया और जहाज को 180 डिग्री पर ले गया। तहकीकाती टीम को एटीसी कंट्रोलर और पायलट की वीडियो कम्युनिकेशन से अहम शवाहिद मिल गए। तयारा साज कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम हादसे की जगह पर तहकीकात करेगी। तबाह शुदा जहाज के इंजनों की मुमकिन मुंतकली का अमल रोक दिया गया। अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, एसओपीस पर अमल नहीं किया जा रहा। यही हालात रहे तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्सा ने शहरियों को मुतनब्बे कर दिया। मशीर इतलात खैबर पख्तून हाशम वसीम भी अवाम की जानिब से एसओपीस पर अमल न करने पर नाला, लॉकडाउन सख्त करने का इंतजार दे दिया। कहते हैं अवाम ने एसओपीस पर अमल नहीं किया तो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ जाएगी। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 56,349 हो गई। 1,167 अफराद जान बहक। 24 घंटे में मजीद 1,748 केस रिपोर्ट हुए। पेशावर में एलआरएच अस्पताल की नर्सिंग हॉस्टल में आग लग गई, दो कमरे जल गए। सामान हादसा जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। और ईद पर अफगान हुकूमत का तालिबान को बड़ा तोहफा, 100 कैदी रिहा कर दिए। तालिबान ने भी ईद पर 3 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान कर रखा है।